मध्य प्रदेश सरकार अफसरशाही और आम लोगों से बुरे बर्ताव को बख्शने के अब मूड में नहीं है। इसका सबूत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कार्रवाई से दे दिया है। दरअसल साजवपुर के कलेक्टर किशोर कल्याण द्वारा अपनी परेशानी लेकर आए ट्रक ड्राइवरों को तुम्हारी क्या औकात है कहने पर हटा दिया गया है। साजापुर के कलेक्टर किशोर कल्याण ने एक ड्राइवर से बदतमीजी करते हुए उसकी औकात पूछ डाली थी। फिर क्या था, सरकार ने कलेक्टर कल्याण को उनके जिले साजापुर से रवाना कर दिया। उसकी जगह नरसिंहपुर कलेक्टर रिजु बाफना को साजापुर के नए कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन टुडे। सीएम मोहन यादव ने इस कार्रवाई से सरकारी अधिकारियों को सख्त मैसेज दिया है कि अगर वो जनता के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते हैं तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सीएम यादव ने कहा, मेरे ध्यान में लाया गया है कि कल ट्रक ड्राइवर्स और जिला प्रशासन की बैठक में साजापुर के अंदर किस प्रकार से भाषा बोली गई है। एक अधिकारी का ऐसी भाषा बोलना उचित नहीं है। ये सरकार गरीबों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब के लिए काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हर एक अधिकारी को, चाहे वो जितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसे काम का सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ, इस नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह से अधिकारी भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। सीएम यादव ने आगे कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस तरह की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। इस तरह की जो भाषा बोली जाती है उसको लेकर मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है, मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा इस तरह की बातों को। कलेक्टर ने मांग ली थी माफ़ी, आपको बता दें। दरअसल साजापुर के कलेक्टर किशोर कल्याण और ट्रक ड्राइवर्सों की हड़ताल के बीच एक वीडियो मंगलवार यानी कि 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। इस बैठक के दौरान कलेक्टर कल्याण ड्राइवर से औकात पूछते दिख रहे हैं। हालांकि मीडिया में बवाल होने के बाद उन्होंने अपने शब्दों के चयन पर अफसोस जताते हुए माफ़ी भी मांग ली थी। कलेक्टर कल्याण ने कहा था, जिला और पुलिस प्रशासन ने जिले के 250 ड्राइवर्स की कलेक्टर ऑफिस में बैठक बुलाई थी। सोमवार को उनमें से कई ड्राइवर्स ने तांडव भी मचा दिया था। इसी वजह से इस बैठक में ड्राइवर्स को समझाया जा रहा था कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताएं। उन्होंने आगे कहा था, इस दौरान बैठक में शामिल एक व्यक्ति बार बार बातचीत में खलल डाल रहा था और कह रहा था कि 3 जनवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी तो हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इसी दौरान मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था, यदि किसी को मेरी बातचीत से दुख पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। हिट एंड रन नए मामले में बवाल मचा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन वाले नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 1 जनवरी और 2 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन हुए थे। मध्य प्रदेश में भी ड्राइवर्स काम ठप करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। साजापुर जिले में ड्राइवर्स एसोसिएशन से बातचीत के लिए प्रशासन ने बैठक बुलाई थी। इसी बैठक के दौरान कलेक्टर के मुंह से एक ड्राइवर के लिए औकात सब निकल गया। वाहन चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामले में भारतीय दंड संहिता यानी कि IPS के प्रावधानों की जगह नए भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रावधान लाए गए हैं। इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना की वजह बनाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करने के साथ ही उनके पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बगैर फरार होने पर 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे ज़रूर सब्सक्राइब करें।